चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो. द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइसिकल टू रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जनरली ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है बाइसिकल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर या ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा इक्वेशन है. अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं ट्रेजेक्ट्री के इस इक्वेशन को, तो रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो कंपेयर करूंगा अगर, ठीक है, तो टेन थीटा की जगह क्या है रूट थ्री. तो टेन थीटा इज इक्वल टू अगर रूट थ्री है तो टेन के टेबल में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई. यही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अच्छा ये इक्वेशन आया कैसे, जैसे मैं ऐसे बात करूं कि ये ग्राउंड है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे गया. तो किसी पॉइंट पी पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, किसी पॉइंट पी पे कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई. तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट एम है, ये ए एम डिस्टेंस एक्स कंसिडर करो और ये डिस्टेंस वाई कंसिडर करो, एम पी वाई. तो अगर मैं मोशन का ये इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ये अप्लाई करूं, तो ए से पी तक डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, और साइन कन्वेंशन भी यहाँ यूज कर लें, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव, ठीक है, इंटेंशन और मोशन के अकॉर्डिंग मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया. तो एस वाई की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वाई होगी. यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई का क्या होगा, यू साइन थीटा होगा ना, प्लस में यू साइन थीटा, ठीक है, करेक्ट, इंटू टी और प्लस वन बाई टू. ए वाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस जी, क्योंकि जी नीचे लग रहा है तो माइनस जी होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नीचे निगेटिव है, ठीक है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. अच्छा यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, आंसर नहीं, तो क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस कितना है, एक्स ट्रेवल किया पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये यू कॉस थीटा होगा इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा होगा. तो टी की वैल्यू यहां पर और यहां पर पुट कर दें, अगर इन दोनों जगह पे रख दें तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा और ये माइनस बाहर आ जाएगा वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो u से u कटा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, x tan थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये y की वैल्यू हो गई. यही मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखो जरा ऊपर ये वाला और ये वाला इक्वेशन एक ही चीज तो है, x tan थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.